मौसमी आप सबके साथ आती। आज लेके हम संभाली वो कच्चा केला की बड़ी की रेसिपी। तो चलो फिर आज की रेसिपी का शुरू करते हैं। केला की बड़ी बनाए बर संगवारी हूँ। ये जगह ले हम यहाँ केला अभी है आधा दर्जन केला ही देखो अब मैंने कच्चा केला है रे तो इलाम यहाँ हसिया में काट लेता हूँ घर की नाराला डंठला निकाल लेता हूँ अलग कर लेता हूँ। तो इलाम यहाँ केला ला दो भाग में काट लेता हूँ। केला की बड़ी बनाना बहुत ही आसानी संगवारी है बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखा एक केला लम दो भाग में काट ले हूँ एक पानी में एक बार धो लेता हूँ यहाँ पानी में धोए के बाद में कर ले हूँ गंजी में पानी। तो पानी में धोए के बाद में मैं डाल देता हूँ यहाँ बोला आप मना कुकर में भी डाल केला उबाल सकता हो केला ला अच्छे से उबाल लेना है जैसे आलू उबालते ना उस प्रकार से केला ला भी उबाल लेना है। तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल दे हूँ तो चलो फिर इला उबाले पर रख दी था टिका रख दिया हमें इंडक्शन में उबाले पर। तो केला उबला थे सोमवार को तब तक एक दाल पीस लेते हैं दाल में रात के भिंगा के रख दे रही हूँ उड़द की दाल हरी और अच्छे से धो भी ले हूँ दाल ला ये छिलका वाले दाल हरी तो मैं धो के रख ले हूँ। तो एक मैं सिलपट्टा में पीस लेता हूँ दाल ला अब अपन का जो भी सुविधा होगी दाल पीसने की हमें पीस सकता हूँ आप मना। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया से चिकना दाल पीस लेना है और दाल के बड़ी के दाल संगवारी को चिकना ही पीसते चिकना पिसाते तो बड़ी अच्छा बनते। तो दाल लहा पिस आगे संवारी हूँ अभी जगह केला भी उबल के रही से तो मैं निकाल ले हूँ पानी से अलग कर ले हूँ तो कहीं छिलकला भी निकाल लेता नहीं छिलकला अच्छे से निकाल लेता निकाल केला के ठंडा करके बाद में कर छिलकला निकाल लेना है। केला की सब्जी तो बहुत बार खाए हुए सिंगारी हुई एक बार कर बड़ी खा के देखो आप मल्ला जरूर पसंद आई बहुत ही अच्छा टेस्टी लगती। अभी कर ले हमें कद्दूकस करे में कद्दूकस कर ले हम यहाँ केला ला ये हाथ से भी मसला आ जाए हाथ से भी मसा सकता हो अच्छा से। कद्दूकस कर लेता हूँ तो एक देखो केला भी पिसा गया हवे अब एक दाल भी पिसा गया हवे देखो अभी एक डेढ़ पाव दाल हरी पीसी होती है अभी केला और दाल ला एक में बढ़िया से हिला फेंट लेना है मिला के बड़ी बनाए पर संगवारी को फेंटना ही मेन रहते जब तक अच्छा से दाल अच्छे से नहीं फेटाए ना तो बढ़िया अच्छे से नहीं बने तो बोला फेटना बहुत ज़रूरी थी बोला अच्छे से फेट लेना ही। केला की बड़ी बनाए बस हमारी हो ज़्यादा मतलब ताम झाम की ज़रूरत नहीं है बहुत ही
जल्दी बनके तैयार हो जाती। तो एक देखो बढ़िया से बड़ी के दाल आप हटा गए हमें, तो कर लो हमें बर्तन में पानी, तो पानी में डाल के दिखा दो मैं छोटे से लोग। तो देखो थोड़ा थोड़ा ही उबली हवे, तो मैं है थोड़ा से और फिर लेता हूँ, जब तक अच्छे से नहीं उबली ना पानी में तैरे नहीं लगी तब तक अच्छे से फिर ले नहीं डालना। तो देखा फेटे के बाद मैं एक बार और पानी में डाल के दिखाता हूँ आटा ला। तो देखा पानी में है तैरा थे, तो बड़ी पर बिल्कुल आटा तैयार हो गया हवे। तो चलो फिर एक कर बनाता हूँ जल्दी से बड़ी। तो एक कर लिया हमें पर्रा, पर्रा में बिछा दे हमें सूती के कपड़ा। तो एक कर लिया हूँ हाथ में पानी करके छोटे से लोई, जितना मुट्ठी में आ सके ना उतना लोई ले लेना है। देखो एक छोटे छोटे बड़ी बनाता हूँ यहाँ, अपन अपन हिसाब से छोटे बड़ी बड़ी छोटे बड़े बड़ी बना सकता हो। मैं छोटे छोटे ही बना लेता हूँ, अभी धूप बहुत तेज है तो यह दो दिन में बहुत आसानी से सूख जाते बड़ी। हाँ दो से तीन दिन के धूप में सूख जाती। इस प्रकार से बड़ी ला बना लेना ही। बड़ी लहसुन वाली हो आप मना केला के संग, आलू के संग माँ, भाटा के संग माँ, जैसे भी बनाना हो बना सकता हो, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखो बड़ी हा बन गई हवी। तो चलो फिर धूप में सुखा ले था। तो दिखा भी गर्म यहाँ बड़ी ला धूप में सुखा ले हूँ। तो दिखा बड़ी अच्छे से सूख गई, अवेला में 3 दिन की धूप में अच्छा से सुखा ले रही हूँ। तो बड़ी यहाँ बिल्कुल बन गई तैयार है हमार बनाए बार सब्जी बना के खाओ। अवेला अवेला आप मना साल भर तक स्टोर करके भी रख सकता हूँ बड़ी ला, जब सब्जी नहीं रहे घर में ना तो बड़ी बड़ी बना रही भी तो काम आती। तो रेसिपी आप मना थोड़ा सा भी अच्छा